हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो ऑन हाउ टू मेंटेन गुड सीजीपीए फॉर प्लेसमेंट्स बाय कोडिंग निंजास। माई सेल्फ विशेष एंड आई विल बी टेकिंग यू थ्रू दिस वीडियो, राइट? सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाई सीजीपीए इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लेसमेंट्स एंड हाउ वी कैन मेंटेन अ गुड सीजीपीए एंड व्हाट इज द गुड सीजीपीए फॉर प्लेसमेंट्स, राइट? सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अ कोडिंग निंजास चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज, राइट? सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन, राइट? सो गाइस, फर्स्ट थिंग, वाई सीजीपीए इज इम्पोर्टेंट। देखो, अगर प्लेसमेंट में पहला राउंड हुआ इंटरव्यू का, राइट, ऑनलाइन टेस्ट होता है जो, उसमें 100 बच्चों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, राइट, सभी ने सिमिलर परफॉर्म कर दिया, सभी ने सारे क्वेश्चन कर दिया 100 बच्चों ने, लेकिन उनको नेक्स्ट राउंड के लिए चाहिए 20 स्टूडेंट्स, तो वो क्या करते हैं ना, एक बैरियर डाल देते हैं कि हम उन्हीं स्टूडेंट्स को लेंगे जिनकी जीपीए 9 प्लस है, या फिर उन्हीं को लेंगे जिनकी 8.5 प्लस है। तो यहां पर ना सीजीपीए का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? समझ रहे हो ना, यहाँ पर सीजीपीए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे जनरली यू नीड 8 to 8.5 सीजीपीए, राइट, बट इन सच केसेस वेयर ऑल द स्टूडेंट्स परफॉर्म सिमिलरली, राइट, एंड द स्टूडेंट बेसिकली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी हाई इन एज कंपैरिजन टू द रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, राइट, सो यू दे पुट सम बैरियर्स, सो देयर द सीजीपीए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? नाउ हाउ यू विल मेंटेन अ गुड जीपीए, राइट? सो गाइज, फर्स्ट थिंग, तुम्हें अपने सीनियर से बात करनी होगी, राइट? सो वो तुम्हें स्पेसिफिक बता पाएंगे तुम्हारे कॉलेज के स्पेसिफिक एंड तुम्हारे बेसिकली ब्रांच के स्पेसिफिक। देखो, उन्होंने जो तुम अभी एग्जाम देगो, जो अभी तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो पहले पढ़ चुके हैं, तो उनको पता है उस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, या फिर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं। तो अगर वो तुम्हें पहले बता देंगे ना, तो तुम उस हिसाब से अपना फोकस कर पाओगे, राइट? एंड अगर उन्होंने बता दिया कि कोई प्रोफेसर बिल्कुल भी नंबर नहीं देता, कितना भी जोर लगा लो, राइट, तो तुम उस तरह से अपना बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन उस सब्जेक्ट को उतना दे सकते हो, राइट? ज्यादा उसमें एफर्ट नहीं डालोगे, क्योंकि पता है नंबर नहीं आएंगे जब देते ही नहीं है प्रोफेसर, राइट? सो ये चीजें सारी तुम्हें तुम्हारे ब्रांच के सीनियर्स ही बता सकते हैं। तो टॉक टू योर सीनियर्स टू मेंटेन अ गुड जीपीए, राइट? एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है, अगर तुम्हें 9 प्लस सीजीपीए मेंटेन करनी है, तो मेक श्योर तुम क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हो, राइट? सो क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो एंड नोट्स बनाओ। गाइस, नोट्स बनाने का काफी फायदा होता है, क्योंकि क्या होता है, नोट्स में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट थिंग्स को ही मेंशन करते हैं, एंड वो इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें प्रोफेसर ही बताता है क्लास में पढ़ाते हुए। एंड सोचो, अगर वो इंपॉर्टेंट थिंग्स प्रोफेसर बता रहा है, तो एग्जाम के टाइम भी उसे वो इंपॉर्टेंट लगेंगी, एंड वो वही चीजें डालता है एग्जाम में। तो इसलिए नोट्स बनाने से तुम्हें बुक से नहीं पढ़ना पड़ता, हर चीज तुम्हें कवर नहीं करनी पड़ती, तुम बेसिकली इंपॉर्टेंट चीजें कवर करते हो जो नोट्स में लिखी होती है, राइट? सो इसलिए नोट्स बना लेना, राइट? एंड अगर तुम 8 to 8.5 बनाना चाहते हो सीजीपीए, तो हो सकता है तुम अपने किसी फ्रेंड्स के नोट्स ले सकते हो, राइट? तो उससे तुम्हें इतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने तरीके से नोट्स बनाया, राइट? बट हाँ, तुम्हारी ठीक ठाक जीपी आ जाएगी, तुम्हें टॉपिक्स पता लग जाएंगे कौन कौन से पढ़ने हैं, एंड देन फिर तुम उनको बुक से पढ़ सकते हो, राइट? सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सीजीपी मेंटेन करने के, राइट? सो थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड होप यू लाइक इट। फॉर मोर सच वीडियोज स्टे ट्यून्ड टू अवर कोडिंग निंजास चैनल। थैंक यू।